और शॉप ये केवल डिजाइनिंग के क्षेत्र में इस्तेमाल किया थी, बहुत ही सक्सेसफुल पैकेज होता है, बिना इनके डिजाइन का कोई काम आज तक में नहीं किया था। उनके अलावा अगर देखा जाए कि इन सारे पैकेज में जो सबसे एडवांस पैकेज होता है वो सारे सब एडवांस है, सबका एक अपना अपना इस्तेमाल होता है, अपने अपने फील्ड में किया जाता है, ठीक है। ये सारे कॉमन है, ये सारे चीजों को आज जैसे देखा जाए एटीसी को बिना मिक्स करके आज ट्रिपल सी में हम आईटी डॉस विंडो वर्ड इसमें से वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट से लेते लास्ट में इंटरनेट आ जाता है, ये हमारा पूरा ट्रिपल सी हो जाता है। इसी चीज को हम अगर डीसी ग्रुप में देखें तो ये तीनों फॉर्मेट मिलेगा, इसमें से हमारे चारों फॉर्मेट मिलता है, प्लस इसमें से आपका पूरा ये तो मात्र पेज मेकर मिल जाता है, ठीक है। एंड एडीसी में ये सारा कुछ मिल जाता है, तो इसका एडीसी करने से ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपके ऑफिशियल या वर्किंग मतलब ऑफिशियल क्षेत्र में जो बेसिक वर्किंग काम होता है, डेली रूटीन का जो काम होता है, वो सारी जानकारी आपको एडीसी करने से मिल जाता है, ठीक है। इसमें फायदा ये होता है डीसी करने से आपको अलग से डीसी नहीं करना पड़ता है, आपको अलग से ट्रिपल सी करने का आवश्यकता नहीं है। मात्र इन दोनों का अगर आपको ट्रिपल सी के अगर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाल दीजिए आप ट्रिपल सी क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर केवल डायरेक्ट ट्रिपल सी करते हैं तो केवल ट्रिपल सी एक ऑनलाइन पेपर होता है जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल करा के आपको कंप्लीट। लेकिन आपको अगर प्राइवेट अगर मान के चलिए कि प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब भी मिलता है बाद में, फिर आपको एडीसी करना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको केवल डिग्री मिला है फॉर्म भरने के लिए, एडीसी की नॉलेज नहीं मिली है। इससे क्या आपको यह पता चलेगा इस पैकेज में क्या इस्तेमाल की जाती है। अभी तक जो भी पैकेज जो सभी बच्चों का अपना कोर्स चल रहा है, जहां तक इसका कंप्लीट हुआ, ज्यादातर बच्चों ने कहा कि सर मुझे एक्सेल करना है, ठीक है। तो आज मैं सबसे पहले एक्सेल से स्टार्ट करूंगा सभी पैकेज में, और जिसका जो जो चल रहा है वो मैसेज करता चलेगा, उसको उसी हिसाब से उसका वीडियो बनाकर उसको भेजा जाएगा। ओके, थैंक यू।